नमस्कार, मैं दिव्या धरा, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक की प्रमुख खबरों को। सीबीआई और ईडी की एंट्री पर बिहार में रोक लगाने के लिए नए कानून बनाने की मांग को लेकर महागठबंधन में मतभेद सामने आने लगा है। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों पर किसी भी तरह की रोक लगाना सही नहीं होगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि सीबीआई और ईडी को निष्पक्ष होकर सभी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। इन दिनों संसद में अडानी हिंडनबर्ग का मामला गर्म है। कांग्रेस के साथ अन्य विपक्षी पार्टियां भी लगातार इस मुद्दे को लेकर नरेंद्र मोदी पर हमला बोल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से नाटो के जरिए पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है। कांग्रेस ने नाटो की जगह लूटो कर दिया है और इसके साथ ही एनटीआर जूनियर और रामचरण की जगह मोदी और गौतम अडानी की फोटो लगा दी गई है। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में ईडी की छापमार कार्रवाई में बरामद कैश, गोल्ड और 600 करोड़ की अवैध संपत्ति के लेनदेन के मामले पर बीजेपी ने नीतीश सरकार पर दबाव बढ़ाना तेज कर दिया है। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के इस्तीफे की भी मांग की है। लंदन में संसद की कार्यवाही को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल संसद की विशेषाधिकार समिति इस मामले में स्वतः संज्ञान ले सकती है। गौरतलब है कि राहुल ने लोकसभा में विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए कहा था कि बोलने के दौरान विपक्षी नेताओं का माइक बंद कर दिया जाता है। राहुल के इस बयान के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा स्पीकर ने आलोचना की थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू परिवार के खिलाफ सीबीआई और ईडी की जांच के बीच बिहार विधानसभा में पक्ष विपक्ष का हंगामा जारी है। मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने वेल में आकर हंगामा शुरू कर दिया। हो हंगामे के बीच भाजपा विधायकों ने सत्ता पक्ष के नेताओं पर गाली गलौज का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा विधायक लखेंद्र पासवान ने सदन में माइक तोड़ दिया, जिसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने उन्हें फटकार लगाई और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी थी। एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की मौत के मामले में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। गौरतलब है कि होली के दिन सतीश एक फार्म हाउस पर होली खेलने गए थे। इस फार्म हाउस के मालिक विकास मालू की पत्नी सानवी मालू अपने पति पर 15 करोड़ रुपए के लिए सतीश कौशिक की हत्या की साजिश रचने के आरोप लगाए गए हैं। वहीं शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई है। सूत्रों का कहना है कि रिपोर्ट के हिसाब से उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई है। फिलहाल विसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। नीतीश कुमार के 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के वादे का असर दिख रहा है। हाल के दिनों में राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों में बंपर बहाली की घोषणा की गई। अब राज्य सरकार के द्वारा ग्रुप डी के 1000 पदों पर बंपर बहाली निकाली जाएगी। बताया जा रहा है कि करीब 1000 मालियों की नियुक्ति की जाएगी, जिन्हें करीब 25,720 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलेंगे। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा कि उन्हें विश्वास है कि युवा शक्ति के बल पर भारत 2047 तक विश्व गुरु बन जाएगा। एक बयान के मुताबिक पुरी ने कहा है कि हाल के वर्षों के दौरान देश में स्टार्टअप में वृद्धि युवाओं की उद्यमशीलता की प्रकृति को दर्शाती है। भारत की G20 अध्यक्षता के तत्वाधान में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और युवा मामलों एवं खेल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की ओर से सम्मेलन की मेजबानी की गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर सोमवार को झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता के साथ 2 दर्जन से अधिक नेता और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से नाता तोड़ लिया। ऐसे में सियासी गलियारे में चर्चा है कि लगातार नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ती जा रही है। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा, जो कि पार्टी में संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके थे, उन्होंने साथ छोड़ा। इसके बाद मीना सिंह ने जदयू से इस्तीफा दे दिया। इस तरह लगातार जदयू से नेता दूरी बना रहे हैं। ब्रिटेन सरकार ने सोमवार को संसद में पेश की गई अपनी रक्षा एवं विदेश नीति संबंधी ताजा समीक्षा के तहत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों और उसमें भारत की अस्थायी सदस्यता का समर्थन करने को पहली बार मजबूत प्रतिबद्धता जताई है। सरकार का अब मानना है कि हिंद प्रशांत अब केवल झुकाव नहीं बल्कि ब्रिटेन के विदेश नीति का एक अस्थायी स्तंभ है और ब्रिटेन भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में काम करने के लिए प्रतिबद्ध है। सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर्स के पैसे की सुरक्षा के लिए अमेरिकी प्रशासन द्वारा कदम उठाए जाने के बीच देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सिलिकॉन वैली बैंक संबंधी प्रस्ताव आश्वस्त करने वाला है और इससे कई स्टार्टअप को राहत मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन ने घोषणा की थी कि बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के डिपॉजिटर्स सोमवार से अपनी धनराशि निकाल सकेंगे। सोमवार को भारतीय विदेश मंत्रालय ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 जारी की। इसमें मंत्रालय ने भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान प्रायोजित सीमा पर आतंकवाद में कोई कमी नहीं आई है। साथ ही इसमें 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों के पीड़ितों के परिवारों को न्याय दिलाने में इस्लामाबाद द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार की गंभीरता न दिखाई जाने की बात भी कही गई है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ठाकुर ने एक बयान में कहा है कि कांग्रेस के भ्रष्टाचार के नए मॉडल सामने आ रहे हैं। अब FATF ने एक केस स्टडी प्रकाशित किया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में एक पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक व्यक्ति पर प्रियंका गांधी वाड्रा की पेंटिंग 2 करोड़ रुपए में खरीदने का दबाव डाला। उन्होंने पूछा कि गांधी परिवार FATF की रिपोर्ट पर चुप क्यों है।
अंग्रेजी अखबार द टेलीग्राफ में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस ने अब तक पीएम मोदी से अडानी समूह को लेकर 81 सवाल पूछे हैं, लेकिन इसमें से किसी भी सवाल का जवाब नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को घेरते हुए संसद से लेकर सड़क तक विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी रखा है। बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया ब्रिटेन यात्रा के दौरान भारतीय सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। भोपाल गैस त्रासदी में पीड़ितों के लिए मुआवजे की राशि को बढ़ाने को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट केंद्र के क्यूरेटिव याचिका पर फैसला सुनाएगा। दरअसल केंद्र द्वारा यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन के उत्तराधिकारी फर्मों से 7,400 करोड़ रुपए के अतिरिक्त मुआवजे की मांग को लेकर दायर क्यूरेटिव पिटीशन पर कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाला है। सरकार का जो रक्षा क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर है, लेकिन जो खबर सामने आ रही है वो सुखद नहीं है। दरअसल डीआरडीओ के 23 प्रोजेक्ट देरी से चल रहे हैं, मतलब ये प्रोजेक्ट तक समय पर पूरे नहीं हो सकेंगे और इनकी लागत भी बढ़ेगी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने राज्यसभा में यह जानकारी दी है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर जारी होने के बाद अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आने से टाटा और रिलायंस अडानी को पछाड़ कर देश के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गए हैं। इससे पहले 16 सितंबर 2022 को अंबुजा सीमेंट और एसीसी का अधिग्रहण करने के बाद अडानी ग्रुप टाटा को पछाड़ कर सबसे मूल्यवान औद्योगिक घराने के रूप में उभरा था, लेकिन 16 नवंबर 2022 को टाटा समूह ने फिर से शीर्ष स्थान हासिल कर लिया था। अप्रैल 2023 तक देश के 22 शहरों में सरकार की प्रमुख शहरी विकास योजना स्मार्ट सिटी मिशन के तहत तय परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी। ये 22 स्मार्ट सिटी सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन का हिस्सा है, जिसका मकसद भारत में सतत और समावेशी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत देश भर के 100 शहरों को चुना गया था। इस योजना के लिए 36,447 करोड़ रुपए का वितरण किया गया है, जिसमें 88% खर्च हो चुके हैं। अफगानिस्तान में कई तरह के प्रोजेक्ट्स को चला रहा भारत अब तालिबान के अधिकारियों को विदेश नीति की ट्रेनिंग देगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान और भारतीय विदेश कार्यालय के बीच एक समझौता किया गया है, जिसके तहत भारतीय अधिकारी अफगानिस्तान के डिप्लोमेट्स, एम्बेसडर, राजनयिक कर्मचारियों और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को ट्रेनिंग देगा, ताकि तालिबान के अधिकारी वैश्विक स्तर पर अपनी बात रख सके और डिप्लोमेसी के सही रास्ते पर बढ़ सके। देश के बड़े अस्पताल में भी अब अपना मेडिकल कॉलेज खोल सकेंगे। यह फैसला केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की बैठक में लिया गया। दरअसल यह बैठक इसी मुद्दे को लेकर की गई थी कि जिसमें देश भर के करीब 62 बड़े अस्पतालों ने शिरकत की। मंत्रालय ने एमबीबीएस की सीट बढ़ाने और बाहर पढ़ाई करने जाने वाले स्टूडेंट के मद्देनजर यह कदम उठाया है। इसे लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने देश के प्रतिष्ठित अस्पतालों से अपील की थी कि वे मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में आए। संसद की एक अस्थायी समिति ने कोरोना महामारी से पहले वरिष्ठ नागरिकों को रेल किराए में मिलने वाली छूट को फिर से बहाल करने की सिफारिश की है। भारतीय रेलवे सभी वरिष्ठ नागरिकों को मेल एक्सप्रेस, राजधानी शताब्दी, दुरंतो समेत सभी ट्रेनों की सभी श्रेणियों में यह छूट देती थी, जिसे 20 मार्च 2020 से बंद कर दिया गया था। इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तौर पर शामिल होने की इच्छा रखने वाले कैंडिडेट्स के लिए अच्छी खबर है। वे उम्मीदवार जो इच्छुक होकर भी किसी वजह से अब तक अप्लाई नहीं कर पाए हैं, वे अब आवेदन कर सकते हैं। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023 के लिए अब लास्ट डेट को आगे बढ़ा दी गई है। पहले अप्लाई करने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 थी, जिसे बढ़ाकर 20 मार्च 2023 कर दिया गया। रजिस्ट्रेशन 16 फरवरी से शुरू हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मिश्रा को पहले से ही मिली अंतरिम जमानत की अवधि अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दी है। इसके साथ साथ कोर्ट ने हिंसा मामले के ट्रायल को लेकर भी प्रगति पर भी संतुष्टि जताई है। कोर्ट ने कहा है कि मामले का ट्रायल सही तरीके से चल रहा है। दरअसल 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर के तिकुनिया में किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शन कर रहे किसानों पर एसयूवी चढ़ाए जाने की घटना के बाद 4 किसानों की मौत हो गई थी। सरकार ने अडानी समूह पर लगे आरोपों पर लोकसभा में पहली बार सोमवार को बयान दिया। सरकार ने कहा है कि आरोपों की जांच हो रही है। ये जांच सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड कर रही है। साथ ही यह भी बताया गया कि आरोपों की जांच के लिए कोई सरकारी समिति गठित नहीं की गई है। केंद्र सरकार द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दिए जाने का सुप्रीम कोर्ट में विरोध के एक दिन बाद विधि एवं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सोमवार को कहा है कि सरकार किसी व्यक्ति के निजी जीवन और उसकी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं कर रही है, इसलिए कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। जब शादी की संस्था से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा आता है तो यह नीतिगत विषय है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि 20 मार्च को वो दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना देंगे। धरने में 32 किसान संगठन शामिल हो सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भले ही दिल्ली में एक दिन के प्रदर्शन का ऐलान किया गया हो, लेकिन किसानों से कहा गया है कि वो लंबे धरने की तैयारी के साथ दिल्ली आए। मोर्चे का कहना है कि सरकार ने अगर मांग पूरी नहीं की तो ये धरना अस्थायी रूप से भी शुरू किया जा सकता है। अडानी हिंडनबर्ग विवाद, बढ़ती महंगाई और राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान को लेकर संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। सांसदों के हंगामे करने की वजह से पहले दिन की कार्यवाही बार बार स्थगित करनी पड़ी। आम आदमी पार्टी के सांसद
संजय सिंह समेत कई सांसदों ने आज मंगलवार को अडानी प्रकरण पर चर्चा के लिए नोटिस दिया। संजय सिंह ने नोटिस में अडानी कोल ब्लॉक आवंटन और अडानी समूह पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के कारण हो रही भारी आर्थिक नुकसान के मुद्दे पर चर्चा करने की मांग की है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है नुन्नू गोलू कुमार, रविशंकर, एच के मल्होत्रा, अनवर करीम खान, एमडी साकिर हुसैन, सादुल्ला पालवी, लव बैठा, कुशलेंद्र कुमार सिन्हा, भोला दुबे, अक्षय कुमार और अभिषेख राज। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, देश के स्वास्थ्य सुविधा में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने चाहिए। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।